आपने कहा ये पोस्टर लगाने आए हैं, मदारी, मोम, सांड की आंख, पीके, बैंग बैंग, 30 फिल्में ऐसी जिसको आपने टैक्स फ्री किया, ये कौन से पोस्टर चिपका रहे थे केजरीवाल जी? कहां आपने उनको कहां पोस्टर लगाते हुए देखा आपने? दिल्ली की सड़क। अच्छा, तो मतलब आपको आपको सांड की आंख का पोस्टर लगाना है लेकिन कश्मीरी फाइल्स का पोस्टर लगाने में दिक्कत है आपको? देखिए, ये तथ्य है कि सांड की आंख और मदारी जैसी फिल्मों को टैक्स फ्री किया। साथ ही साथ केजरीवाल जी ने क्या कहा कि आप कश्मीरी पंडितों के दर्द को बांटिए, उनके लिए कार्य करिए। सांड की आंख को भी टैक्स फ्री क्यों किया आपने? सांड की आंख को टैक्स फ्री क्यों किया? यूट्यूब पर डलवा लेते आपके चैनल के माध्यम यूट्यूब पर डलवा लेते मैं आपके चैनल के माध्यम से आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात साफ कर देना चाहता हूं, कश्मीरी फाइल के नाम पर गंदी राजनीति मत करिए। सर, कौन सा अंश झूठा था? आप मेरे सवाल का कश्मीरी मतलब सांड की आंख सही थी? सांड की आंख जो है वो टैक्स फ्री हो सकती है? 30 फिल्में टैक्स फ्री कर सकते हैं, कश्मीरी फाइल टैक्स फ्री नहीं होगी? डाल दीजिए सर, आप इसको YouTube पर डलवा लेते ना, सांड की आंख को YouTube पर डलवा लेते आप। आप कश्मीरी पंडितों की भलाई के लिए कार्य करिए, राजनीति नहीं करिए। कश्मीरी पंडितों के दर्द पर जब हंस रहे थे, जब सदन में ठहाके लग रहे थे, तब हंस रहे थे उनके जख्मों पर, तब आपको ये याद नहीं आया? मजाक भाजपा ने बनाया। अनुरोध जी, बीते सालों में भाजपा ने कश्मीरी पंडित के लिए क्या कार्य किया? ये कश्मीर फाइल्स अगर झूठ है तो फिर वो बाटला हाउस सच था या झूठ था? बाटला हाउस सच था या झूठ था ये भी बता दीजिए। कश्मीरी जो बाटला हाउस पे सवाल आपने उठाए थे, वो बाटला हाउस सच था या झूठ था? आप सर्जिकल स्ट्राइक सच था या झूठ था जिस पर आपने सवाल उठाए? आप डिबेट के पिछले 10 मिनट से कश्मीरी फाइल को झूठ 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 बोल रहे हैं। सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आपने सदन में झूठ बोला, आपने सदन में झूठ बोला। बाटला हाउस सच था या झूठ था जिस पर आपने सवाल उठाए थे? बाटला हाउस सच था या झूठ था? सर्जिकल स्ट्राइक सच था या झूठ था जिस पर आपने सवाल उठाए थे? भारतीय जनता पार्टी ने और पिछली सरकारों ने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या कार्य किया? आपने ना बाटला हाउस पे बोला, हमारी सरकार ने कार्य किया ना बाटला हाउस पे बोला, ना सर्जिकल स्ट्राइक पे बोला, इन पर भी सवाल उठाए थे आपने, इन पर भी सवाल उठाए थे। अनुरोध जी, ये बहुत गंभीर विषय है, इस पर उपहास उड़ाना सदन के भीतर एक एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। तिलक भाई, वरना फिर ये ताहिर हसन का नाम लेकर जो जो छत से बम फेंके थे ताहिर हसन, उसका नाम लेकर फिर आप लोगों को चढ़ाएंगे, ये शाहीन बाग याद दिलाकर फिर सवाल उठाएंगे। इसलिए सियासत मत करो, हाथ जल जाएंगे। कश्मीरी पंडितों के दर्द के नाम पर आज राज्यसभा सांसद जी संजय भैया ने बोला, अपनी अपनी सांसद निधि से 5 करोड़ रुपए खर्च करिए कश्मीरी पंडितों के लिए, इतने 30,000 करोड़ कश्मीरी पंडितों के लिए। कश्मीरी पंडितों के लिए आज तक किसी सरकार ने कार्य किया है तो वो है सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल सरकार। अनुरोध भाई, बदलने वाले राजनीति को बदलने वाले अरविंद केजरीवाल जी जिन उद्योगपतियों को सांसद बना रहे हैं, राज्यसभा भेज रहे हैं, संसद में भेज रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति जिन राजनीति को परिवर्तित कर रहे हैं ना आप, स्वच्छ कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को आप भेज रहे हैं राज्यसभा में, उनसे ही कह दो, दो चार इंडस्ट्री खोल ले, उन उद्योगपतियों को कहो अपने फंड से, राज्यसभा के फंड से जो सांसद निधि है उनको खर्च करे, उन उद्योगपतियों से कहो, उद्योगपतियों से आप जो आपके सांसद हैं राज्यसभा के सांसद, उन्हीं को आप आदेश जारी कर दीजिए केजरीवाल जी कि आपको करना पड़ेगा, दो चार इंडस्ट्री लगवा दो, ये बीजेपी वाले नहीं बोल पाएंगे, कर सकते हो इतना? यही उद्योगपति जिनको राज्यसभा भेजा है, उद्योगपतियों को भेजा ना राज्यसभा। संजय सिंह ने राज्यसभा सदन में बोला है किसी और सांसद, क्यों बोलते हो? कर दो बोलो मत, कर दो, उद्योगपतियों को बोलो जिनको सांसद बनाया है। लीनता का पर्याय है संजय सिंह। केजरीवाल जी से एक ही सवाल, कश्मीरी पंडितों पर क्या अत्याचार? झूठ है। खुद को मजबूत विपक्ष साबित करने के चक्कर में क्या केजरीवाल बहुत बड़ी राजनीतिक चूक कर बैठे? बात एक एक तथ्य की, एक एक तारीख की, उन वाक्यों का, नरसंहार का जिक्र जो घाटी में घटा, क्या केजरीवाल जी ये झूठ है कि घाटी में 1990 जनवरी में 75,343 परिवार हुआ करते? क्या यह झूठ है केजरीवाल जी की 1990 से 1992 तक 70,000 से ज्यादा परिवार, 70,000 से ज्यादा परिवार पलायन कर गए? क्या यह झूठ है कि घाटी में करीब 800 परिवार बचे? क्या यह झूठ है कि 1990 से
2011 तक 399 लोगों की हत्या कर दी। क्या यह झूठ है कि 1 जून 1990 से 31 अक्टूबर 1990 तक घाटी में 300 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी? क्या वाकई में यह झूठ है कि 14 सितंबर 1989 को कश्मीरी पंडित टीकालाल टपलू की हत्या हो जाती है? क्या यह झूठ है कि 19 जनवरी 1990 कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने की चेतावनी दी जाती है मस्जिदों से? क्या यह झूठ है कि 15 मार्च 1990 में बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों का पलायन होता है? क्या यह झूठ है केजरीवाल जी कि 19 मार्च 1979 से लेकर 30 मई 1990 तक 190 कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो जाता है? सवाल इतना है कि कश्मीर फाइल्स पर सियासत का दी एंड आखिरकार कब होगा?